देखेंगे इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व क्या क्या है इस साइकिल में। तो जैसा कि आप साइकिल देख के बड़ा आसान लग रहा होगा, खुश हो गए होंगे, इसमें औरों साइकिल जैसा नहीं है कि चार पांच प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, नहीं, इसमें सिर्फ तीन प्रोसेस रहता है। क्या रहता है वो? हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन और एक एक्सपेंशन प्रोसेस रहता है। कंप्रेशन नहीं रहता है, याद रखिएगा, भूल के भी किसी को मत बोलिए, कंप्रेशन प्रोसेस रहता है। ठीक, इसको मैं क्लियर करूंगा अभी अच्छे से। ठीक है, तो पहला प्रोसेस बोल लेते हैं हम लोग, 1 से 2। क्या है वो? वर्टिकल लाइन है पीवी डायग्राम में, तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई है। प्रोसेस 1 से 2 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। आप कभी भी भूल के ये मत भूलिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन हो रहा है, कभी नहीं। ये सारा प्रोसेस में मैंने बता रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वो होता है जहाँ हीट ट्रांसफर जीरो होता है। ठीक है, ये देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व ये होता है। पिछले वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताया हूँ, क्या है वो? एडियाबेटिक कर्व जो होता है, एडियाबेटिक कर्व का स्लोप जो होता है वो गामा टाइम से ज्यादा होता है आइसोथर्मल कर्व से। ये बहुत ही नोट वर्दी पॉइंट है, आप लिखिए इसको अभी नोटबुक में। पहला प्रोसेस है कि इन दिस प्रोसेस द हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में जाहिर सी बात है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हीट एड होगा। सिंस हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देयरफॉर वर्क डन इन द प्रोसेस इज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए थर्मोडायनामिक का एक इक्वेशन मैं लिखने वाला हूँ अभी। देखिए जो भी हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम में तो दो काम में यूज होता है वो, आइदर वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या तो वर्क डन करेगा। देखिए यू है इंटरनल एनर्जी, पी डेल्टा भी है वर्क डन। वर्क डन बहुत टाइप के होते हैं, शाफ्ट वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ये पी डेल्टा भी वर्क है। ठीक है, अब सिंस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए इसमें वर्क डन जीरो होगा, दैट इज सारा हीट एनर्जी जो भी मिला ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा। ओके, इसलिए ये चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड ओनली इंटरनल एनर्जी है तो सिस्टम इंक्रीजेस। वही चीज है, जो भी हीट मिलेगा इसको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा। ओके, इसको क्लीन कर लेते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रोसेस 2, 2, 3 क्या है? चलिए प्रोसेस 2, 2, 3 कर्व देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, और सिंस प्रोसेस का डायरेक्शन देख के आप बता सकते हो कि ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ। ओवरऑल इन दिस प्रोसेस द सिस्टम एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड वर्किंग फ्लूइड गेट्स बैक टू इट्स इनिशियल प्रेशर। देखिए जो प्रेशर यहाँ पे था वही यहाँ पे है, तो जो भी मतलब प्रेशर था शुरू वाला वही प्रेशर ये अटेन कर लेता है यहाँ पे आके, एज शोन इन द फिगर। ठीक, दिस प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज हियर सिस्टम गेट्स वर्क और इट डज वर्क। देखिए ये पावर स्ट्रोक आप कह सकते हैं इस साइकिल का, एक्सपेंशन प्रोसेस जो भी हुआ ये एक पावर स्ट्रोक कहलाता है इस साइकिल में, मतलब इसमें सिस्टम काम करता है हम लोग के लिए, तो ये सिग्निफिकेंट प्रोसेस हुआ जाहिर सी बात है। और एक चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा। ठीक, अब सीन्स देखिए, हीट ट्रांसफर यहाँ पे जीरो है, क्यों जीरो है? तो जो भी सिस्टम ने काम किया होगा उस वक्त एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो भी उसने काम किया पी डेल्टा वी, तो जो उसने काम किया होगा वही तो पी डेल्टा वी होगा और वही तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा उसका। यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगाया है क्योंकि इंटरनल एनर्जी इस वक्त कम हो रहा है क्योंकि उसी के एक्सपेंस में वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मेरे सारा बेसिक क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ अगर आपने पिछला वीडियो कुछ भी नहीं पता थर्मोडायनेमिक्स में तब भी ये वीडियो आप समझो। ठीक है, चलते हैं आगे, प्रोसेस 3, 2, 1 क्या है? चलिए प्रोसेस 3, 2, 1 समझते हैं। फिगर देख के आपको लग रहा होगा या प्रोसेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये सिस्टम अपना इनिशियल स्टेट पे आ रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। ओके, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम गोज टू इट्स इनिशियल स्टेट बाय रिजेक्टिंग हीट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि इसमें कंप्रेशन प्रोसेस नहीं होता है, और मैंने आपको इतना सारा प्रोसेस बता दिया भी, इसमें कहीं भी कंप्रेशन प्रोसेस नहीं था, ये ग्राफ इधर जा रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, इसका इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, इसमें ये मत समझिएगा कि कंप्रेशन प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही देखिए इसका टीएस डायग्राम है। यहाँ पे टीएस डायग्राम में कैसे आप दिखाओगे? देखिए 1 to 2 प्रोसेस ये है जो आप देख रहे हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टीएस डायग्राम में ऐसा होता है 1 to 2। ठीक है, और देखिए आप 2 से 3 कहाँ पे है? एडियाबेटिक, जाहिर सी बात एस के परपेंडिकुलर, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है 2 to 3। 3 to 1 कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये है,
साइकिल कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको लेनियर साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, लॉट्स ऑफ लव।